गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम अरमान सर। हमारा चैनल है रियल मैथ बाई अरमान सर। जैसा कि आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, दो अंक का गुणा करना। क्या बताया था आपको हमने? दो अंक का गुणा करना। आज हम आपको बताने वाले तीन अंक का गुणा करना। हमारे स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट हमारे डिमांड किए हैं कि तीन अंक का सर जी गुणा करना बताइए। तो आज आपको हम तीन अंक का गुणा करना सिखाते हैं। दो अंक का गुणा करना एक लाइन में आपको आ गया था, आज आपको तीन अंक का गुणा करना हम सिखाने जा रहे हैं। जिसे मान लेते आपका तीन अंक, थोड़ा सिंपल गिनती लेते हैं पहले हम लोग। इसे 124, 125 का गुणा करते हैं हम लोग। 124 और 125, तो आपको तीन अंकों भी दो अंक पहले बना दीजिए। आप फर्स्ट दो अंकों, लास्ट दो अंक नहीं, फर्स्ट दो अंक। इसे आपका 12 है, 12 को एक अंक ऐसे गोला बना दीजिए। इस 12 को क्या बनाएंगे? एक अंक का गोला बना देंगे। ठीक है, ये हमारा 12 क्या हो गया? एक अंक हो गया। और 4 क्या है? दूसरा अंक। नीचे वहां कहता है 12 क्या है? एक अंक। और 5 क्या है? दूसरा अंक। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि सीधा सीधा गुणा करते हैं, फिर क्रॉस गुणा करके जोड़ देते हैं, फिर सीधा सीधा गुणा करना पड़ता है। तो वही नियम अब यहां भी लगाने वाले हैं हम लोग। तो लास्ट में पीछे से सीधा सीधा पहले गुणा कीजिए। 4 × 5 = 20, 20 का 0 हासिल कितना आया? 2। अब तिरछा गुणा करके, क्रॉस गुणा करके जोड़ दीजिए आप। 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 60 और 48 को जोड़ दीजिए। 60 और 48 जोड़ेंगे आएगा 108, और हासिल कितना आया था हमारा? 2। तो 108 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 110, 110 का 0 हासिल आया 11, हासिल कितना आया हमारा? 11। ओके, अब हमारा ये इसकी पारी आई हमारा सीधा सीधा गुणा करने की। 12 × 12 कितना होता है? 144। 12 × 12 में कितना होता है? 144। और 11 इसमें जोड़ दीजिए। 144 में 11 जोड़ेंगे हमारा आएगा 155। देखिए स्टूडेंट, हमारा एक लाइन में आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक नंबर और ले लेते हैं हम। इससे ले लेते हैं हम लोग 116, ठीक है, 126। 116 लिया हमने और 126 का गुणा करना है। तो हमने आपको बताया है कि फर्स्ट दो नंबर को एक नंबर बना लीजिए। यहाँ फर्स्ट नंबर हमारा कितना है? 11 है ना, तो 11 को गोला करके आप एक नंबर बना लीजिए। यहाँ फर्स्ट हमारा नंबर कितना है? 12 है, 12 को एक नंबर बना लीजिए आप। ठीक है, अब यही नियम लगा दीजिए जो आपने टू डिजिट में नियम लगाया था, वही नियम आप यहां भी लगा दीजिए। तो पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 36 का 6 हासिल आया 3। और आपको हमने बताया था इसमें तिरछा गुणा करना चाहिए। देखिए, गुणा करने के लिए जोड़ बहुत अच्छे से आना चाहिए। जोड़ अच्छे से आता है तभी अब एक नियम लगा पाएंगे आप। देखिए यहां देखिए, 11 × 66 तिरछा गुणा करेंगे ना हम लोग, 11 × 66 और 12 × 72। अगर आपको जोड़ना नहीं आता, 66 और 72 नहीं जोड़ पाएंगे मन में, तो कहां कर पाएंगे डायरेक्टली आप लोग? तो 66 और 72 जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा? हमारा 138। कितना आएगा? 138 का 8। 138 का 8 हासिल कितना आया? 13। देखिए दोस्तों, यहां हमने फिर गलती कर रहे हैं आप लोग को, समझ लीजिए। यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ज्यादातर जोड़ने प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे। हमने क्या बताया आपको? 6 × 36 = 6 हासिल लगा 3। ठीक है, 11 × 66, 12 × 72, 66 और 72 को जोड़ेंगे हमारा आता है 138। 138 और हासिल कितना आया था? 3 आया था कि नहीं? तो हासिल भी जोड़ जाता है कि नहीं? तो देखिए, 138 में 3 जोड़े में कितना आएगा? 141। 141 का 1 हासिल मां कितना है? 14। अब सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 12 × 11। बड़ा सिंपल है, 12 धाम में 120 और 12 एकम 12 132 हुआ।
12 का पहाड़ा अगर 11 का पढ़ना है आपको, तो 12 धाम में 120 और 12 एकम 12 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना है हमारा 132, और हासिल कितना था हमारा 14, 132 में हम 14 ऐड कर देंगे आएगा हमारा 146। ये देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर आपको मल्टीप्लाई अच्छे से करना है तो मन में ऐड करना आना चाहिए तुरंत, तभी फटाफट आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करते रहिए। थैंक यू।